हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। सो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है देवभूमि उत्तराखंड देहरादून से। सबसे पहले आप सभी को सातों आठों की हार्दिक शुभकामनाएं। ये कुमाऊं का प्रसिद्ध लोक पर्व त्यौहार है। इसमें बिरूड़े बनाए जाते हैं। बिरूड़े का मतलब है कि जो अनाज होते हैं पाँच या फिर सात प्रकार के, इनको मिक्स करके ये बनाया जाता है और भगवती माँ को पूजा जाता है। और हम आज घूमने के लिए जा रहे हैं, और घूमने के लिए कहाँ जा रही है आपको मेरे ब्लॉग पर आप सभी को पता लग जाएगा। सो ब्लॉग पर बने रहिए। आज आंटी जी ने बना रखे है बिरूड़े, गांव में बनाया जाता है। फर्स्ट इंदु जो हम खा रहे हैं ना बिरूड़े, वो क्यों बनाते हैं? क्योंकि ना हमारे वहाँ एक गमला देवी होती है, तो उसको पूजने के लिए हमको ये बनाते हैं। मतलब इसमें हम लोग या तो पांच या फिर सात दालों का मिश्रण करते हैं, जो कि वो बहुत शुद्ध होते हैं। संजू और लकी स्कूटी से जा रहे हैं क्योंकि इनको क्लिनिक में कुछ काम है, तो ये भी हमको वहीं पर मिलेंगे जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। बाय। तो इंदु और आंटी जी और मैं भी निकल चुके हैं, और हम जाएंगे बस से, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस, हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि हम जाएंगे FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि देहरादून में है, और अभी हम यहाँ पर बस का वेट कर रहे हैं। तो गाइस, हम लोग बस में बैठ चुके हैं। क्लॉक टावर देहरादून की फेमस जगह घंटाघर। तो अब हम यहाँ से जाएंगे ऑटो में FRI तक। सो गाइस, हम फाइनली पहुँच चुके हैं FRI। तो अभी मैं बाहर से आपको दिखा देती हूँ। सो गाइस, हमको यहाँ पर आने के लिए सबसे पहले हर एक को 15 रुपये का टिकट लेना पड़ता है। तो गाइज, हम लोग गेट के अंदर आ चुके हैं, और 15 रुपये का टिकट देना पड़ता है यहाँ पर आने के लिए। तो 15 रुपये तो सभी दे सकते हैं, और बाकी हम लोग जब पहुँचेंगे फिर मिलते हैं आप लोगों से। सो गाइज, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, और अभी हम इसके अंदर एंटर करते हैं, फिर आप लोगों को भी दिखाती हूँ। सो गाइज, जो यहाँ पर दीवारें बनी हुई हैं, ये सारी ईंट की बनी हुई हैं, तो मतलब काफ़ी शानदार जगह है ये, बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छा लग रहा है घूम के। गाइज, जो ये इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर स्टूडेंट ऑफ द ईयर की शूटिंग हो रखी थी, और काफ़ी अच्छा है, बड़ा भी है, तो अच्छा लग रहा है घूमने में। थोड़ा थक भी गए हैं, थकान हो जा रही है घूमने में, तो अभी और घूमते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का FRI वैश्विक ऐतिहासिक धरोहर होने के साथ साथ मशहूर पर्यटन स्थल भी है। यह इमारत न सिर्फ आम जनता को आकर्षित करती है, बल्कि फिल्म मेकर्स को भी यहां खींच लाती है। FRI की शुरुआत वर्ष 1878 में इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के नाम से की गई थी। यह बिल्डिंग आज विश्व की ऐतिहासिक इमारतों में शामिल है। FRI की सुंदरता फिल्मी पर्दे पर अलग ही आकर्षण पैदा करती है। अब तक यहाँ कई क्षेत्रीय और बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। इनमें मुख्य है स्टूडेंट ऑफ द ईयर और स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। यहाँ दुनिया भर के पेड़ पौधों पर शोध किए जाते हैं, इसीलिए यह पर्यावरण और अनुसंधान के संदर्भ में भी बहुत महत्वपूर्ण इमारत है। सो गाइज, हमारे बीच लक्की और संजू भी पहुंच चुके हैं। हाय, और हम घूमते हैं। सो गाइज, हम लोग थक गए हैं और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे हैं, और आंटी वाला कोल्ड ड्रिंक अच्छा मानती है, और हम ये वाला हाँ, बहुत ज़्यादा थक गए हम। सो गाइज, यहाँ पर हल्की हल्की बारिश आ चुकी है, और हम सब छत के नीचे आ रखे हैं बारिश से बचने के लिए, बाकी तेज बारिश हो रही है अब। सो गाइज, यहाँ पर चल रहा है रील शूट और फोटो शूट हो रहा है।
और यहाँ पर आंटी जी की वीडियो बन रही है और आंटी स्कूटी चला रही हैं संभाल के। आंटी चलाती है स्कूटी। जब फाइनली हम लोग पूरा घूम के घर जा रहे हैं और आप लोगों से मिलते हैं घर पहुँच कर। बाकी मतलब बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर घूमना, तो आप भी जरूर आना यहाँ पर। तो गाइस हम लोग विक्रम में घर जा रहे हैं और आंटी और लक्की स्कूटी में गए हैं और आंटी का भी विक्रम में घर जा रहे हैं। गाइस लक्की भी जाने लगी है नाइट ड्यूटी में, इसके आज नाइट ड्यूटी थी और खाना ले जा रही है टिफिन, और हम थोड़ी देर में खाएंगे खाना। नींद नहीं आती नाइट ड्यूटी में? आती है तो क्या करें, मजबूरी। सही बात है। मैं तुरई की सब्जी जो कि मैं नहीं खाती हूँ इसलिए मैं बरूड़े खा रही हूँ दिन के बने हुए, और ये रहे बिरूड़े। अच्छा बिरूड़े गाइस, बिरूड़े। और ये रायता हुआ। सो गाइस फाइनली हम लोगों ने खाना खा लिया है और हम थोड़ा थक भी गए हैं। सो आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।